तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपने अपने नाम का या अपनी कंपनी के नाम का डोमेन कहाँ से बाय करना है, और अच्छी होस्टिंग कौन सी है, रीज़नेबल होस्टिंग कौन सी है या डोमेन कौन सा है। वैसे डोमेन्स और होस्टिंग्स तो बाय की जाती हैं बैंक एटीएम कार्ड से, वीज़ा कार्ड से। तो अगर आपके पास नहीं है तो पाकिस्तान के भी काफ़ी नेटवर्क्स हैं जहाँ से आप अपने डोमेन्स होस्टिंग्स बाय कर सकते हैं, जिनका पेमेंट मेथड है जेस कैश, ईजी पैसा, स्क्रिल। तो इनसे भी आप अपनी डोमेन्स और होस्टिंग बाय कर सकते हैं। तो हम जो बाय करते हैं वो गोडेडी से बाय करते हैं डोमेन एंड होस्टिंग्स नेमचीप से बाय कर सकते कर करते हैं, क्योंकि नेमचीप की होस्टिंग जो है इतनी ज़्यादा डाउन नहीं होती और वो हमें बहुत ही अच्छी सर्विस देते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने पीसी की तरफ, वहाँ पर मैं आपको इन दोनों वेबसाइट का टूर करवाता हूँ। अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, तो हम गूगल की तरफ चलेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि गोडेडी का इंटरफेस कैसा है और नेमचीप का इंटरफेस कैसा है। और तो मैंने बताया आपको कि डोमेन्स में गोडेडी से बाय करता हूँ और नेमचीप से होस्टिंग बाय करता हूँ। तो मैं आपको डोमेन्स होस्टिंग्स नेमचीप पर जो दिखाऊंगा कैसे सर्च करते हैं या कैसे लेते हैं, और गोडेडी पर भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं गोडेडी की तरफ। आपने गूगल में सर्च करना है गोडेडी, आपके सामने ये आ जाएगा कि pk.godaddy.com। क्योंकि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आपके सामने इसका ये सब डोमेन आएगा, अगर आप इंडिया में तो in.godaddy.com आएगा। तो इनके मुख्तलिफ कंट्रीज़ में अलग अलग सब डोमेन्स हैं, तो गोडेड पर आपको जाना है यहाँ से। और यहाँ पर ये देख रहे हैं ऑफ़र भी लिखी हुई है, gareva.com फॉर RS699 फॉर फर्स्ट ईयर। आपको मतलब कि फर्स्ट ईयर में अगर आप न्यू हैं तो आपको इस प्राइस में आपको मिलेगा, उसके बाद जब आप रिन्यू करेंगे तो आपसे कुछ ज़्यादा पेमेंट लेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं फाइंड योर परफेक्ट डोमेन। तो हमारा ऑलरेडी डोमेन लगा हुआ है, ये लिखा हुआ है टेक आफ्ताब 2020। तो मैं सर्च करता हूँ इसको यहाँ से सर्च डोमेन, तो ये सर्चिंग के लिए चला जाएगा। ये आप देख सकते हैं योर डोमेन इज़ अवेलेबल, तो ये डॉट कॉम वाला डोमेन अवेलेबल है। अगर आप इसको बाय करना चाहें तो ये ऐड टू कार्ट करके आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। कंटिन्यू टू कार्ट, यहाँ से आपको सिक्योरिटी के बारे में पूछेंगे, भाई आपको सिक्योरिटी सर्विस चाहिए तो इसके लिए आपको ज़्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे। तो फिलहाल मैं इसको नो थैंक्स करूँगा और कंटिन्यू टू कार्ड करूँगा। और यहाँ से मैं करूँगा 1 ईयर के लिए, इसको करूँगा डिलीट और यहाँ से चेकआउट। उसके बाद आपको साइन इन करने का बोलेगा, क्योंकि सबसे पहले आपने गोडेडी पर अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, और अगर आपने नहीं बना हुआ तो आप यहाँ से इजीली क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे बिलिंग इन्फॉर्मेशन पूछेगा, यहाँ पर आपको अपना मास्टर कार्ड वगैरह ऐड करना है। उसके बाद आप जैसे ही पेमेंट पर आपको रिडायरेक्ट करेगा तो वहाँ से आप पे नाउ क्लिक होगा, पे नाउ जैसे ही करेंगे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो गोडेडी से आप ऐसे डोमेन्स ले सकते हैं। अब चलते हैं हम नेमचीप की तरफ। तो आ चुके हैं हम नेमचीप पर, यहाँ पर भी हम अपना ही डोमेन सर्च करेंगे जो वहाँ पर सर्च किया था, टेक आफ्ताब 2020 सर्च। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको 8 USD में मिलेगा। यहाँ पर फिलहाल ऑफर नहीं चल रही, तो आपको 1500-1600 अराउंड मतलब इतनी प्राइस में मिल जाएगा अगर आप अपने ATM या वीज़ा कार्ड से बाय करते हैं। तो नीचे आपको और सजेशन दिखा रहा है कि भाई आपके नाम से दूसरे भी डोमेन्स अवेलेबल हैं जैसे .org.net, तो इनकी प्राइस थोड़ी कम ज़्यादा होती रहती है।
तो वही सेम मेथड जो मैंने GoDaddy को यार आपको बताया, तो उसी के मेथड से आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं GoDaddy की होस्टिंग्स की तरफ। तो सर्च करना है आपने GoDaddy होस्टिंग्स। तो ये आप देख सकते हैं इनकी होस्टिंग्स आ चुकी हैं। तो जो भी आपको प्लान अच्छा लगता है तो यहाँ से आप ऐड टू कार्ट करके, जैसे मैंने डोमेन बाय करके दिखाया वैसे आप बाय कर सकते हैं। तो ये आपके सामने प्लान्स मौजूद हैं, लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जल्दी से हम चलते हैं नेमचीप की होस्टिंग्स पर, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं आपको अगर परचेज कर कर दिखाऊंगा तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो परचेज आपको खुद करनी है। तो ये आ चुके हैं हम नेमचीप की होस्टिंग्स पर। तो ये मुख्तलिफ रेट्स पर मुख्तलिफ होस्टिंग्स हैं, मुख्तलिफ फीचर्स हैं, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं जो आपको अच्छी लगती है वो आप उस हिसाब से अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो जैसे गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको साइन इन करने का बोलेगा, क्योंकि इसको ऑलरेडी इस पर नेमचीप पर भी आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो अकाउंट क्रिएट कर कर आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं सेम मेथड से। तो आज के लिए सिर्फ बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।